कि अगर आपके पास SBI का अकाउंट है और आप चाहते हैं कि SBI के अकाउंट में, यानी कि आप अपने खाते में किसी भी पर्सन को नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं या उसको कैंसिल करके दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी ऑनलाइन घर बैठे ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से योनो लाइट SBI डाउनलोड कर लेना है और इसको जो है आप लॉग इन कर लेना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अगर आपको व्यू बैलेंस चेक करने का मन है तो यहाँ पर व्यू बैलेंस पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में है सर्विस का एक ऑप्शन, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन नॉमिनेशन है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे आप जो है ट्रांजैक्शन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम कर दिए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट, तो आप अपना खाता नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू नॉमिनेशन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपके खाते में जो है आपके नॉमिनी में नाम किसका है। अगर आपको बाई चांस किसी दुर्घटना में आपको कुछ हो जाता है तो आपको नॉमिनी को ही सारा पैसा दिया जाता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहां पे कैंसिल नॉमिनेशन पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने के बाद प्लीज एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, तो यहां पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने के बाद यहां पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके बाद कैंसिल नॉमिनेशन पे क्लिक करना पड़ता है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर देखिए नाम, यहाँ पे आप जो भी व्यक्ति को रिमूव करना चाहते हैं आप अपने खाते से, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, तो चलिए हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो OTP यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम OTP डाल चुके हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल डिलीटेड, यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आपको दिया जाता है। इन फ्यूचर में आप इसे सर्च कर सकते हैं कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डिलीट हो गया। तो चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन नॉमिनेशन पर क्लिक कर देना है फिर से। उसके बाद सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे अकाउंट टाइप ट्रांजैक्शन अकाउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो है कोई भी नॉमिनी में मेरा नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनी नोट रजिस्टर। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कैंसिल किया जाता है, अब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, किसको ऐड करना चाहते हैं न्यू मेंबर को, तो यहाँ पे रजिस्टर नॉमिनेशन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, नॉमिनी नेम जिस भी व्यक्ति को ऐड करना चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस, जो आपके जो भी व्यक्ति को आप नॉमिनी में इंटर करना चाहते हैं आपके खाते में, तो यहाँ पे उसका आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे जो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नॉमिनी रिलेशनशिप, जिस भी व्यक्ति को आप ऐड कर रहे हैं आप रिलेशन में उनका कौन लगते हैं, फादर लगते हैं या मदर लगते हैं, वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज और खुलेगा कन्फर्मेशन का, तो आप यहाँ पे सारा चीज़ डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी नेम, यहाँ पे रिलेशनशिप, यहाँ पे सारा कुछ एड्रेस यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनी एडेड सक्सेसफुल, ये रेफरेंस नंबर है, तो आप इसे रिसर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन नॉमिनेशन पे क्लिक करेंगे, मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर अकाउंट टाइप ट्रांजेक्शन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद व्यू नॉमिनेशन पर डालेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा नॉमिनी नाम ऐड हो चुका है। तो आप इसी तरीके से नॉमिनी नाम को ऐड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जय हिंद।